हेलो स्टूडेंट, लेबलिंग की आज क्लास में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग के बारे में, जिसे हम प्रोफाइल लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य लेबलिंग। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर हम लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग, जिसे आप प्रोफाइल लेबलिंग के नाम से भी जानते हैं, आखिर हम करते क्यों हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम करते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग या प्रोफाइल लेबलिंग करते हैं तो उससे हमारा रोड में या रेलवे वर्क में हमें क्या यूज़ देखने को मिलता है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे और इसको हम समझेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से। और यहाँ पर मैं एक आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किसी भी रोड का या रेलवे का या किसी भी कैनाल का आप मान सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जिससे ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीटली क्लियर भी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, देखें, जब आपको कोई इस तरीके से कहता है कि आपको एक कोई सर्वे करना है और वहाँ होकर कोई एक रोड निकालना है, तो उस केस में हम जानते हैं कि रोड हमारा कैसा है। रोड हमारी एक ऐसी पट्टी है जिसकी लंबाई हमारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन उसकी चौड़ाई हमारी बहुत कम होती है। अब हम क्या करते हैं, हम लंबाई में सर्वे करते जाते हैं, यानी रोड के जो हमारी ज़मीन है जहाँ पर हमें रोड निकालना है या फिर रेलवे लाइन बनानी है या फिर हमें कोई कैनाल बनानी है, नहर बनानी है, तो हम लंबाई में हम सर्वे करते जा रहे हैं। और हमें ये पता करना हो कि उस समय जब हम सर्वे कर रहे हैं उस टाइम ज़मीन में कहाँ उतार चढ़ाव आ रहा है, ज़मीन कितनी डाउन है, कहाँ अप है। अगर आप इस ज़मीन का उतार चढ़ाव यानी अप एंड डाउन पता करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होगा उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ बताया था, फिर दोबारा से यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम कभी क्या करते हैं, जैसे कोई सपोज कीजिए कोई मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ से इस तरह से लंबाई के पैरेलल काटकर और इसे काटकर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो जो सेक्शन मुझे नज़र आएगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु हो, उसका जो लंबाई के समानता जब उसे हम काटते हैं और काटने के बाद जो हमें सेक्शन दिखाई देता है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। क्रॉस सेक्शन ये हमारी चौड़ाई है, आप देखें मार्कर की लंबाई ये हो गई, चौड़ाई हमारी ये हो गई, तो अगर हम चौड़ाई के समांतर यानी चौड़ाई हमारी इस तरीके से, चौड़ाई के समांतर अगर हम काटें तो हमें मार्कर कैसे दिखाई देगा, ये सर्कुलर मार्कर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही हमारा क्या है, क्रॉस, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। जबकि अगर हम बात करें इसके लंबाई के समांतर काटें तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आएगा। तो अब हम बनाना चाहते हैं जमीन का उतार चढ़ाव हम जानना चाहते हैं, तो उतार चढ़ाव अगर आप जानना चाहते हैं तो रोड को लंबाई की दिशा में आप उसके लंबाई के पैरेलल आप उसे काटिए और काटने के बाद उसे देखिए कि इस क्या उसका अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है कि हम जमीन को किस तरीके से काट सकते हैं, तो आपको काटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको वहां पर जाके एक सर्वे करना है। तो यहां पर आप समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बातें यहां पर और आगे हम समझेंगे। मैंने लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल या प्रोफाइल लेबलिंग, जिसे हम अनुदैर्ध्य तरीक्षण के नाम से जानते हैं, कि किसी भी सड़क यानी कि रोड, कैनाल, रेलवे या फिर हमारी कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी लंबाई हमारी बहुत ज़्यादा हो, उसे कंपेरिजन में चौड़ाई कम होती है, उस केस में अगर हम बात करें तो किसी भी सड़क, रोड या कैनाल या रेलवे आदि के सेंटर लाइन पर, यानी आदि के सेंटर लाइन, रोड हमारा कितना चौड़ा है उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर लाइन पर पड़ने वाली जमीन का उतार चढ़ाव, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स, तो अप्स एंड डाउन्स को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लेबलिंग या लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग या अनुदैर्ध्य तलेक्षण हम करते हैं। इतना हमें समझ में आ गया कि हम लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग आखिर कब करेंगे, तो इसका यूज क्या है कि हम जमीन के अप्स एंड डाउन्स यानी कि उतार चढ़ाव पता करना चाहते हैं लंबाई के डायरेक्शन में, इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग करने के बाद हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे। अब देखें यहां पर इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं करना चाहूं और अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूं तो आप क्या कैसे समझ सकते हैं। एक न्यूमेरिकल यहां पर हम देखें तो ये पूरी बात हमें क्लियर होगी और उसको यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हम इस जमीन का, जिस पर हमने एक एग्जांपल लिया है, किसी रोड का हमने सर्वे किया, उसका हम एक ग्राफ बना के देखेंगे कि जमीन हमारी किस तरीके की, तब हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं आखिर बताना क्या चाहता हूं। हमने, आप देख रहे हैं कि इसमें बोला गया है कि एक रोड का क्या किया गया, रोड के सेंटर लाइन पर डंपी लेवल से सर्वे किया गया, यानी कोई डंपी लेवल लिया और रोड पर गए हैं और वहां पर हम सर्वे कर रहे हैं और जिससे चैनेज 30 मीटर है। अब आपके दिमाग में जरूर ये बात आएगी कि जब हम सर्वे कर रहे हैं तो आखिर ये चैनेज क्या चीज़ है। चैनेज होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, जहाँ जहाँ आप डंपी, जहाँ जहाँ आप स्टाफ रख रहे हैं, यानी कि जितनी जितनी दूरी बात आप सर्वे कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, चैनेज कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें कि सपोज कीजिए कोई ये रोड है, ये कोई रोड है और इस रोड पर हमें, ये रोड का क्या बनाया मैंने, प्लान बनाया, ऊपर से देखने पर हमें रोड इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर सर्वे किया, फिर हमने यहाँ पर सर्वे किया, फिर हमने यहाँ सर्वे किया, फिर यहाँ पर,
फिर हमने यहाँ सर्वे किया, फिर हमने यहाँ पर सर्वे किया। तो अब देखें इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या बोल रखी है इस क्वेश्चन में, 30-30 मीटर की डिस्टेंस पर हमने सर्वे किया गया है और ये जो रोड है वो टोटल कितना लंबा दे रखा है, यानी 30-30 मीटर पर हम सर्वे कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5 और स्टेशन नंबर 6, जिनके बीच की दूरी आपस में कितनी है, 30-30 मीटर हमें डिस्टेंस गिवन है। अब यहाँ पर देखें, अब आपको समझाते हैं आगे कि क्या किया गया। आगे क्वेश्चन में बोला गया कि रोड के सेंटर लाइन पर डम्बी रख के सर्वे किया गया है जिसमें चेनेज 30 मीटर है। चेनेज का मतलब समझ में आ गया, दो पॉइंट जिनके बीच में हमने सर्वे किया उसके बीच की डिस्टेंस हमारी चेनेज कहलाती है। और 150 मीटर लंबा रोड है, रोड की लंबाई कितनी है, रोड की लंबाई टोटल 150। जरा जोड़ के देखें हम यहाँ पर 30, 60, 90, 120 और 150, ये इतना लंबा हमारा कोई रोड है और इस पर हमने सर्वे किया। अब सर्वे करने के बाद अब आप जानते हैं कि अगर आपको थ्योरी लिखनी है, जो थ्योरी की बात में करेंगे, हम बता दें कि जितने अब आपने यहाँ पर सर्वे किया, सर्वे करके क्या करेंगे, हम BS FS IS कैलकुलेट करेंगे। अब जब आप BS यानी कि बैक साइड, FS मतलब फोर साइड और IS मतलब इंटर साइड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक हाइट एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करें या फिर राइज एंड फॉल मेथड यूज़ करें, आप क्या पता करेंगे, ओवरऑल हम किसी भी ज़मीन के रिड्यूस लेवल पता करते हैं, RL पता करते हैं। तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में BS FS IS ना लेकर मैंने डायरेक्टली RL यहां पर लिख लिया है। कोई भी हमें BS FS IS देगा, हम कोई मेथड यूज़ करेंगे और उस मेथड का यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनके RL पता कर सकते हैं। तो हमें क्या किया गया है, डायरेक्ट RL दिया गया है। RL का मतलब होता है उस समुद्र से ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है वो चीज। तो अब देखें यहां पर बोला गया कि प्रत्येक स्टेशन के RL क्रम से 200, 199.5, 199, 197, 201 और 201.5 है। ये हमें RL दे रखे हैं। जगह-जगह हमने जब मशीन पर सर्वे किया तो हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद, मशीन से तो हम BS FS IS ही पता कर पाएंगे लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की बाई SI या फिर राइज एंड फॉल मेथड से तो हमें ये रीडिंग प्राप्त हुई। अब बोल रहा है कि रोड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाओ। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कर दी। ये लेवलिंग हमारी क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग कहलाएगी। अब हमें बोला गया है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाइए। तो अब देखें थ्योरी कैसे लिखेंगे, मैं अभी लास्ट में बताता हूं। अब यहां पर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेशन नंबर यहां पर नीचे एक लाइन लिखेंगे स्टेशन। तो यहां पर मैंने लिख रखा है स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आप करेंगे चेनेज कितनी कितनी डिस्टेंस थी। तो चेनेज हमारा यहां पर कितना था, 0 मीटर था रोड यहां पर, 0। यहां पर रोड कितना मीटर हो गया, 30। यहां पर रोड कितना हो गया हमारा, 60। यहां पर 90 और यहां पर रोड कितना मीटर हो गया, 120। और यहां पर रोड कितना हो गया हमारा, 150 मीटर। ये हमारी रोड हो गई। अब बात करते हैं RL कितने कितने दे रखे हैं। तो RL यहां से ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। पहले स्टेशन का RL हमारा 200, दूसरे स्टेशन का RL है 199.5 मीटर और तीसरे का है हमारा 199 और चौथे का है 197 और पांचवें स्टेशन का RL 201.00 और तीसरे लास्ट RL स्टेशन का RL 201.5। अब देखें आप पता करना चाहते हैं कि जमीन हमारी कैसे अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए आप एक डेटम मानिए। डेटम हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इनमें से जो वैल्यू सबसे कम है, एक तो वो आप देखिए और एक वैल्यू सबसे हाईएस्ट है उसको आप देखें। सबसे कम वैल्यू हमारी इसमें कौन सी है, 197। तो आप 197 को ही डेटम मान लें। डेटम का मतलब होता है एक आधार मान लें आप, कोई भी एक स्टैंडर्ड सबसे लोएस्ट वैल्यू को हम डेटम मान सकते हैं। तो हमने डेटम माना यहाँ पर 197 मीटर, तो यहाँ लगातार लिखते जाइए 198 मीटर, 199 मीटर, या अपनी मर्जी से एक एक मीटर पर आप लिखते जा सकते हैं। आप आधा आधा मीटर पर भी लिख सकते हैं, एक एक मीटर पर भी लिख सकते हैं, दो दो मीटर पर भी लिख सकते हैं। ग्राफ बना रहे हैं हम बस सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर हो गया हमारा 199 के बाद हमारा कितना आएगा, 200 मीटर और उसके बाद ये हमारा आएगा 201 मीटर और ये हो जाएगा हमारा 202 मीटर। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले स्टेशन का RL 200, यानी पहले स्टेशन पर हमारी जमीन का जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन का RL है वो 199.5 है। इसका मतलब ये है कि 199 तो ये है, 200 ये है, इसके बीच में कहीं आता होगा 199.5। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया कि 199.5 और ये हमारा 200। तीसरे स्टेशन का RL है 199 जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया हमारा 199। आप देखें दिखाई दे रहा हूँ, पोज कर दो, एक मिनट
हाँ जी, तो देखें अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन सा है, इसमें 197 यानी जमीन का आरएल है, यहाँ पर हमारा कितना है जमीन, यहाँ पर हमारी 197 इसका आरएल है। अब इसका आरएल कितना हमारा 201, यानी कि इस स्टेशन पर, स्टेशन नंबर 5 पर हमारा आरएल है 201, तो 201 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा, ये आ गया हमारा 201। और लास्ट स्टेशन है स्टेशन नंबर 6, यानी 150 मीटर की अगर हम बात करें तो इसका आरएल हमें है 201.5, यानी कि यहाँ पर तो 201.5। अब आप देखें जरा, एक ड्रॉ करें एक लाइन, तो यहाँ पर आप ड्रॉ करके आप ये देख पाएंगे, ध्यान से देखना मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे हमारी जमीन जो है कुछ इस तरीके की है, ये जो मैं सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारी जो जमीन है। अब कर्व में मैं थोड़ा सा कर्व स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी होती है, कर्वेचर फॉर्म में होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर्वेचर फॉर्म में। इस तरीके से हमें जमीन हमारी इस तरीके से देखने को मिली है हमें, और देखें ये हमारा, मैं जो साइन बना रहा हूँ ये ग्राउंड के साइन है, ये हमारा क्या है NSL, इसको हम कहते हैं नेचुरल सरफेस लेवल, यानी हमने जो फाइंड किया यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो आया है, इस सेक्शन को हम कहते हैं प्राकृतिक तल, यानी कि हमारा जो नेचुरल सरफेस लेवल है, तो जो हमारी जमीन एक्चुअल में इस कंडीशन में है वहां पर जहां हम रोड बनाना चाहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस जमीन को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि स्टेशन नंबर 4 जो है वहां गड्ढा है, काफी जमीन नीची है। अगर कोई रोड हम इस तरीके से बनाना चाहते हैं, ध्यान दें मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसका यूज मैं रोड में और कैसे कर सकता हूं, इस सेक्शन का यूज हम कटिंग और फिलिंग निकालने के लिए भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक कोई रोड ऐसे बनाया जाए, अब इस तरीके से कोई रोड बनाया जाए, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमें सबसे ज्यादा मिट्टी यहां भरनी पड़ेगी, और यहां पर हमें इससे ऊपर, हमें देखो जमीन ऊपर है रोड नीचे जाएगा, तो ये मिट्टी हमारी क्या होगी, हमें कट करनी पड़ेगी। और यहां पर आपका रोड नीचा है और यहाँ पर आपकी जमीन नीचे है, रोड ऊंचा, तो यहाँ पर हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा फिलिंग कहाँ है, सबसे ज्यादा मिट्टी कहाँ भरेगी हमारी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गड्ढा है। तो इसीलिए तो हमने बोला कि जमीन का कहाँ, जमीन ऊंची है कहाँ नीचे, सबसे ऊंची जमीन कहाँ है, हमें इस डायग्राम से देख के हमारी परिभाषा जो हमने ऊपर लिखी थी क्या वो सेटिस्फाई होती है। हमने लिखा ना कि किसी भी रोड पर, रेलवे सीवर लाइन के सेंटर पर पड़ने वाली जमीन के उतार चढ़ाव, यानी हमें अप्स एंड डाउन देखने हैं, तो हमारा स्टेशन नंबर 6 सबसे ऊंचा है, स्टेशन नंबर 4 सबसे नीचा है, और इस तरीके से हमें ये, यानी अब हमने ये देखा कि स्टेशन, हर एक स्टेशन में कैसे हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने किया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग की, यानी प्रोफाइल लेबलिंग हमने जब की। अब बात आती है कि अगर इसमें हम थ्योरी लिखना चाहते हैं, यानी पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग या फिर प्रोफाइल लेबलिंग से आप क्या समझते हैं, विस्तार में आप चर्चा कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आप क्या लिखेंगे। अब आपको जो मैं यहां से बोल रहा हूं वो आपको एक एक करके लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट। आप क्या कहेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं ग्राउंड पर, एक सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद ध्यान से लिखेंगे जो बात मैं बोल रहा हूं यहां पर, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले ग्राउंड पर, जिस भी ग्राउंड का हमें, चाहे रोड हो, रेलवे हो या कैनाल हो, उस ग्राउंड पर हम जाते हैं, ग्राउंड पर जाकर उसके हम कंडीशन को एक बार रिकॉग्नाइजेंस करते हैं, यानी कि उसका आवेक्षण करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं उसे कैसी कंडीशन है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना चेनेज लेना है, यानी कितनी कितनी दूरी बाद सर्वे करना है। ये दूरी, अब ये दो पॉइंट हो गए यहाँ पर, एक तो हमें जाएंगे अपनी आंखों से रिकॉग्नाइजेंस यानी कि आवीक्षण करेंगे, देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखकर हम डिसाइड करेंगे कि चेनेज डिस्टेंस कितनी लें। चेनेज डिस्टेंस हम लेंगे जो भी आपको लेनी है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, यानी कितनी कितनी दूरी पर आप सर्वे करना चाहते हैं उसको हम डिसाइड करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई ज्ञात उच्चता का बिंदु जिसे हम बेंचमार्क के नाम से जानते हैं, बेंचमार्क हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कहीं आसपास कोई बेंचमार्क होगा। सपोज कीजिए बेंचमार्क के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेबलिंग के लेक्चरों में, आप देख लेना। तो बेंचमार्क डिसाइड करेंगे और इस बेंचमार्क से क्या करेंगे, ट्रांसफर करके लाएंगे एक यहां पर बेंचमार्क, और इसको क्या कहेंगे हम, टेंपरेरी बेंचमार्क TBM हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब TBM जब आप ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है आपको, सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं पे लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो TBM यहां पर आ गए, फिर अब क्या करेंगे हम, अब लेबल मशीन को जमीन पर यहीं पर कहीं रखेंगे आसपास, और स्टेशन नंबर 1 पर स्टाफ रखेंगे, स्टेशन नंबर 1 पर स्टाफ रख के इसकी रीडिंग पढ़ेंगे, स्टेशन नंबर 2 की रीडिंग पढ़ेंगे, स्टेशन नंबर 3 की, इस तरह से जैसे हम लेबलिंग करते हैं BS FS IS हम रीडिंग लेंगे। और उसके बाद जब हमें, सपोज कीजिए 60 मीटर के बाद हमें नहीं दिख रही है, आगे 90 मीटर पर जो हम स्टाफ रख रहे हैं हमें नहीं दिखाई दे रहा, या कोई झाड़ी आ गई है, कोई पेड़ आ गया है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई बाधा आ रही है जिससे हम 90
मीटर पर रखा हुआ स्टाफ नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप चेंज पॉइंट ले लेंगे। तो ये आप सारी बातें नहीं, सर्वे हम करते कैसे हैं वही लिखना है थ्योरी में। तो अब यहाँ पर हम चेंज पॉइंट ले लेंगे, और चेंज पॉइंट लेने के बाद पुनः BSFS IS रीडिंग ले लेंगे। तो इतना लिख लिया हमने, उसके बाद हम लिखेंगे, अब रीडिंग लेकर हम फील्ड बुक में उसे नोट कर लेते हैं। फिर क्या लिखेंगे, फील्ड बुक में नोट की गई रीडिंग में हम एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, अगर हमें हाई एक्यूरेसी की जरूरत है तो राइज एंड फॉल मेथड यूज़ करेंगे, लो एक्यूरेसी की जरूरत है तो हम हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ करेंगे। तो हम अपना जो भी मेथड सूट करता है उस मेथड को सेलेक्ट करके सभी स्टेशंस के रीडिंग्स के माध्यम से, यानी BSFS IS के जरिए से हम क्या करेंगे, उसके RL पता कर लेंगे, और RL पता होते ही ये क्वेश्चन आपका पूरा एज इट इज, RL हमने पहले लिख दिए, RL यहां पता हो जाएंगे, और RL पता होते ही हम क्या करेंगे, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना देंगे। और यह हमारा लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग का ही हमारा एक पार्ट है। लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग बनाते करते क्यों है, अप्स एंड डाउन देखने के लिए, हमारे सामने वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फीडबैक अपना जरूर दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो अब वो ले सकता है।